तो आपके बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पैसा आया कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में या पीसी में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च बार में लिखेंगे PFMS। इतना लिखकर जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट में ही PFMS पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको इसी पर ही एक क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने PFMS पोर्टल का होम पेज आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नव योवर पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट कौन सी बैंक में है, उस बैंक का नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कि हमारा बैंक अकाउंट SBI बैंक में है तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे स्टेट बैंक। इतना लिखते ही आपकी बैंक का नाम नीचे सजेशन में आपको दिखाई देगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम आ चुका है। अब आपको यहां से ही इस बैंक को सेलेक्ट करना है। अगर आप यहां से बैंक का नाम सेलेक्ट नहीं करेंगे और अपने बैंक का पूरा नाम यहां पर टाइप कर देंगे तो फिर आपका पैसा नहीं दिखाया जाएगा, इसलिए आप यहां से ही अपनी बैंक को सेलेक्ट करें। आप यहां पर थोड़ा बहुत नाम टाइप करेंगे तो नीचे सजेशन में आपकी बैंक का नाम दिखा दिया जाएगा, चाहे आपकी बैंक कोई सी भी क्यों ना हो। तो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर जैसे हमने स्टेट बैंक टाइप किया तो नीचे फर्स्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम आ चुका है। यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर इस बॉक्स में अपना अकाउंट नंबर टाइप करेंगे और नीचे भी सेम यही अकाउंट नंबर टाइप कर देंगे ताकि ये कन्फर्म हो सके। और फिर यहाँ पर आपको ये वेरिफिकेशन कोड देखने को मिलेगा, ये जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही नीचे इस बॉक्स में टाइप कर देंगे। और फिर यहाँ से सेंड OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते आपके बैंक अकाउंट के साथ आपका जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आपके इस वाले मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया गया है। आपको उस OTP को यहाँ पर इस बॉक्स में फिल करना है और फिर यहाँ से वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको स्कीम का नाम देखने को मिल जाएगा कि किस स्कीम के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया है, और यहाँ पर आपको एजेंसी का नेम देखने को मिल जाएगा कि किस एजेंसी के थ्रू आपका ये पैसा आया है, और फिर यहाँ पर आपका UTR नंबर, ट्रांजेक्शन ID नंबर मिल जाएगा, पेमेंट मेथड किसके थ्रू आपका पैसा आया है, और यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम देखने को मिल जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना पैसा देखने को मिल जाएगा कि कितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है और ये पैसा किस डेट को आया है, यहाँ पर डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से अगर आपके बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पैसा आता है तो उसका लेखा जोखा आप खुद ही ले सकते हैं। अब आप में से कुछ लोगों के सामने ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका पैसा इस पोर्टल से चेक नहीं हो, तो मैं आपको बता दूं इस गवर्नमेंट के पोर्टल से उसका ही पैसा चेक होता है का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट के तहत उनके बैंक अकाउंट में आता है। और ये डायरेक्ट बेनिफिट के तहत पैसा आपके बैंक अकाउंट में तभी आता है जब आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड के साथ साथ NPI सर्वर से भी लिंक हो। अब बात आती है कि NPCI सर्वर क्या होता है और इसे अपने बैंक अकाउंट को कैसे लिंक करें और आपका बैंक अकाउंट इस सर्वर से लिंक है या फिर नहीं, इसकी कंप्लीट जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देखें जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस वीडियो पहुंच जाएंगे और इस वीडियो को देखकर आप अपने बैंक अकाउंट को NPCI सर्वर से लिंक कर पाएंगे। वैसे भी आप सभी को अपना बैंक अकाउंट NPCI सर्वर से लिंक करवाना चाहिए जिससे आपके बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पैसा आए तो वो डायरेक्ट आ सके। तो दोस्तों PFMS पोर्टल से लेकर आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन थे शायद वो सब कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। अब आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आपने अभी तक भी हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार आप इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि हम और मोटिवेट हो सके और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सके। और आपके दिमाग में फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और हो सके तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसे यूजफुल वीडियो मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।